Tell me that you need me still. I miss I do better this time. हाय वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम हैदराबाद। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मोमोज़ खाने का मन कर रहा था और मुझे ऐसे ना था हैदराबाद में क्या होता है ऐसे मोमोज़ वगैरह के स्टॉल नहीं मिलते, छोटे छोटे स्टॉल कहीं पे भी ऐसे मोमोज़ ढूंढना पड़ता है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि DLF बिल्डिंग के जस्ट आगे जा कर के एक मोमोज़ डिलाइट करके शॉप है, वहाँ पर मोमोज़ बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं आ गई मोमोज़ वो डिलाइट शॉप, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और तो चलते हैं और मोमोज डिलाइट का मोमोज ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ वहाँ का टेस्ट कैसा है। चिकन मोमोज है ये? हाँ, चिकन स्टीम मोमोज। कैसे प्लेट है? 80। हमें हमारा ये स्टीम चिकन मोमोज मिला। यहाँ पे स्टीम चिकन मोमोज में आपको 6 पीसेस मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, 80 रुपीज़ कॉस्टली है, बट इट्स फाइन है। इतने दूर मतलब हैदराबाद में तो ऐसे मोमोज़ मिलते नहीं, बहुत मुश्किल से मोमोज़ मिलता है और फाइनली हमें मोमोज़ मिला है। और मैं मोमोज़ आपको पता है एक चीज़ मोमोज़ का ये है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मोमोज़ है। मतलब जैसे कि नॉर्थ साइड मोमोज़ मिलते हैं ना, वैसे ही मोमोज़ हैं यहाँ पे। एक बार आप देख लो, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चटनी भी स्पाइसी है, एज इट इज़ स्पाइसी चटनी होते हैं। गर्म है काफ़ी, बहुत अच्छे मोमोज़ अगर आप आओगे यहाँ पे ट्राई, आपको सच में नॉर्थ वाला टेस्ट आएगा। और ऐसा नहीं है, इसके जो लेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला। आप एक बार देखो इसका लेयर कितना ज़्यादा पतला है, आपको ऐसी वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप ना मोमो जैसे मोटा वाला लेयर का मोटा है वो आप खा रहे हो। तो चलो अभी मोमोज़ ट्राई कर लो, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। Must I do better this time? I think I'm ready to love again. Long. मोमोज़ डिलाइट से मोमोज़ खाने के बाद मोमोज़ सच में बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे मतलब बहुत ही पतला और बहुत अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही जूसी था, बहुत ही अच्छा। क्योंकि लाइट की वजह से मैं उतना अच्छा शूट नहीं कर पाई, इस वजह से आपको दिख नहीं पाया, बट सच में मोमोज़ बहुत अच्छा था। अगर आप आओगे मोमोज़ तो यहाँ पर ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्या होता है, एक लाइन से स्ट्रीट फूड लगा हुआ है। तो मैं अब आई हूँ यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे यहाँ पे 20 रुपीज़ का प्लेट है, तो 20 रुपीज़ का। और यहाँ पे ऐसे छोले वाले गोलगप्पे नहीं है, आलू और चना के गोलगप्पे जो मिक्स करके देते हैं वो वाले गोलगप्पे हैं। तो चलो पहले गोलगप्पे एंजॉय करते हैं। गोलगप्पे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो DLF के साइड जस्ट सीधे जा करके, तो सच में गोलगप्पे बहुत ही अच्छे थे, जरूर ट्राई करना यहाँ पे गोलगप्पे। और हमने एज़ यूजुअल सूखा बहुत ही अच्छा लगता है, सूखा हमने ऑर्डर किया है ये वाला। क्या सूखा खाते हैं, सूखा ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का 6 पीस ही है। तो चलो सूखा एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिल जाए। गोलगप्पे सच में बहुत अच्छे थे जैसा मैंने आपको बताया। गोलगप्पे खाने के बाद जस्ट बगल में ही एक AM PM करके फूड कोर्ट है, वहाँ पे मैगी वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। जैसा कि मैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा मैगी, और इसमें वैरायटीज़ ऑफ मैगी है, फ्राइड मैगी है, प्लेन मैगी है, चीज़ मैगी है, डिफरेंट वैरायटी, इवन चिकन मैगी भी है। मैंने तो चिकन मैगी कभी नहीं खाया, बट आई डोंट नो कैसा होगा। वो बोल रहे हैं कि फ्राइड चिकन मैगी बहुत ही फेमस है यहाँ पे, तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन फ्राइड मैगी। तो चिकन फ्राइड मैगी देखते हैं कैसे बनता है और फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ का चिकन फ्राइड मैगी कैसा है। Thank you.
हमें हमारा चिकन फ्राइड मैगी मिल गया। ये देखो हमारा चिकन फ्राइड मैगी ये है, और इन्होंने चिकन वगैरह ऐसे छोटे छोटे पीसेस से फ्राई करके ऐड किए हैं इसमें चिकन। और ये मैगी ना मतलब बहुत काफ़ी ड्राई है ये टेस्ट। मैं तो पहली बार चिकन फ्राइड खा रही हूँ, और देख के इतना मस्त लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इसका कॉस्ट है 60 रुपीज़। से मिलती हूँ चिकन फ्राइड मैगी फिनिश करके, और चिकन फ्राइड मैगी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे टेस्ट करके देखा, मैंने एक दो बाइट खाया, सच में बहुत अच्छा है। तो आप भी ट्राई करना यहाँ पे, इनके पास ऐसा नहीं है कि वेज नहीं है, इनके पास वेज भी अवेलेबल है। तो अगर आप आओगे तो यहाँ पे वेज भी खाना, हम अपना इन्जॉय कर लेते हैं चिकन फ्राइड मैगी, और आप भी हमारे साथ इन्जॉय कीजिए। बाय, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। फ्राइड मैगी खाने, चिकन फ्राइड मैगी खाने के बाद हमें लाइक क्रेविंग हो रही थी कि हाँ चलो कुछ मीठा खाते, तो हमें पास में ही सारे एक लाइन से ही है, तो हमें अमूल देखा, अमूल शॉप, तो फिर हम अमूल शॉप के अंदर आए, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है थिक शेक, ग्रीन पिस्ता थिक शेक, जो कि यहाँ पे 179 रुपीज़ का है। थोड़ा कॉस्टली है बट कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं आपको थोड़ा मेन्यू दिखाती हूँ, अगर आप यहाँ पे आओ तो आप ये सारे शेक ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मीठा वगैरह खाने का मन है, हिसाब से देख लेना, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप आ जाना आराम से। तो हमने ऑर्डर किया है ग्रीन पिस्ता, तो मैं आपको थोड़ी देर में ग्रीन पिस्ता दिखाती हूँ। ये जो शेक है, इसकी आप थिकनेस देख रहे हो, कितना ज़्यादा थिक है यार, ये देखो यार, इसलिए इसको बोलते हैं थिक शेक। वैसे मैंने ऑर्डर किया है ग्रीन पिस्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर ये कितना ज़्यादा थिक है यार। मैंने 4 स्कूप ऐड किए हैं ग्रीन पिस्ता आइसक्रीम के, इस वजह से इतना थिक है। और इसका कॉस्ट 179 है, ठीक है 179 इट्स फाइन, मतलब इतना थिक है तो जस्टिफाइड है यार। अब हम आए हैं DLF बिल्डिंग के आगे, साथ जितने भी स्ट्रीट फूड अभी तक हमने एक्सप्लोर किए थे, अब उसके पीछे आए हैं, मतलब DLF बिल्डिंग के जस्ट बगल में द रियल टेस्ट ऑफ कोलकाता करके द क्वालिटी रोल्स। यहाँ पे रोल्स वगैरह मिलते हैं, मोमोज वगैरह मिलते हैं। हमने ऑर्डर किया है चिकन रोल, जो कि अराउंड 70 रुपीज़ का है, सिंगल एग रोल का चिकन, सिंगल एग रोल चिकन रोल का कॉस्ट है 70 रुपीज़, और डबल एग रोल का कॉस्ट है 100 रुपीज़ ना। सारे का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, कोई भी आसपास नहीं, अगर आप इन सब में से कोई भी आपको स्ट्रीट फूड पसंद आता तो आप यहाँ पे विजिट करना। द क्वालिटी रोल्स के बगल में ही नींबू पानी का शॉप था। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ये जो स्ट्रीट फूड मैंने बताया, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कैसा है, आपको कैसा लगा यहाँ के स्ट्रीट फूड। अगर जो मैं स्ट्रीट फूड गई हूँ सारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आप कुछ विजिट करना चाहते हो कोई भी शॉप, तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। बहुत अच्छा था, फ्राइड चिकन, फ्राइड मैगी, और गोलगप्पे वगैरह भी बहुत अच्छे थे। मोमोज तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये नींबू पानी अब मैं पी रही हूँ, और यहाँ पे बगल में ही लगाते हैं ये नींबू पानी। अगर आप इतना कुछ स्ट्रीट फूड खा के आपको मन करे कि चलो अब कुछ मतलब पचाने का पीना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके पी सकते हो इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो चलते हैं, बाय, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे, और भी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी हैदराबाद के, हैदराबाद की कोई प्लेस एक्सप्लोर करूँगी, हैदराबाद का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करूँगी। मैं जितने भी हैदराबाद में अभी हूँ, मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों तक, तो मैं आज एक्सप्लोर करते रहूँगी और आप लोगों को दिखाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैं DLF, हम थोड़ा सा DLF मॉल के आगे थे, बट हम वहाँ से एक्सप्लोर फूड करने के बाद अब हम आए हैं DLF बिल्डिंग, द रियल टेस्ट ऑफ कोलकाता करके द क्वालिटी रोल्स। यहाँ पे रोल डबल चिकन एग रोल का कितना कॉस्ट था? सिंगल एग डबल चिकन 100। और long as you trust me, tell me where you been.